उपचुनाव के चलते मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू है। ऐसे में वायरल वीडियो और नेताओं द्वारा नियमों के उल्लंघन की खबरें मीडिया में सुर्खियों पर बनी हुई है। जानूपुर से संभावित भाजपा प्रत्याशी रिसाऊ लाल सिंह के वायरल वीडियो का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि मंत्री और मुंगावली से भाजपा के संभावित प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह यादव का एक और वीडियो सामने आया। इसमें महिलाओं को साड़ी बांटते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन बताया है और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की बात कही है। साथ ही वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और तंज कसते हुए कहा है कि प्रचार में 35 करोड़ रुपए दिखने लगे हैं। 19 तारीख को 19/9 को जो कार्यक्रम रखा गया है ये अपने जैन कमेटी के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह रखा गया था जिसमें मास्क और सैनिटाइजर दिए गए हैं और ये मंत्री जी के द्वारा बताया जा रहा है कि साड़ियां दी जा रही हैं। ये झूठी राजनीति है, इससे ऐसा नहीं है। मंत्री जी को केवल घेरा जा रहा है चुनावी माहौल में, ऐसा कुछ नहीं। हमने अपनी मांग रखी है और साड़ी सैनिटाइजर वितरित किए गए जैन कमेटी के द्वारा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहले ये कांग्रेस के ये पाखंडी लोग पूरा वीडियो अच्छी तरह से देख लिया करें कि किसके द्वारा कार्यक्रम है, कौन क्या कर रहा है। अब चूंकि जब कार्यक्रम होता है मुख्य अतिथि किसी को बनाया जाता है, जबकि जो बात कर रहे हैं आचार संहिता की, ये आचार संहिता से महीनों पुराना वीडियो है। ऐसे कई कार्यक्रम हुए सैकड़ों, तो लोग बंटवाते हैं तो स्वाभाविक अपन बांट देते हैं। ये कार्यक्रम तो जैन समाज का था, उससे की साड़ियों से उनसे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं इन पर कांग्रेसियों पर जरूर FIR करवाऊंगा, कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा।